के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता योजना की लॉन्चिंग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटे और ऐतिहासिक क्षण के लिए गवाह बने। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों की चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों के लिए गुरुवार यानी आज सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हुई। महज एक घंटे के अंदर करीब 1.5 लाख टिकट बुक हो गए। बता दें कि रेलवे ने एसी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा इन 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में जनरल बोगी के लिए टिकट बुक कराया जा सकता है। बिना कन्फर्म टिकट इन ट्रेनों में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बिहार के वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक क्वारंटाइन केंद्र में बुधवार की शाम को एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि मृतक की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि हाजीपुर में राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका विद्यालय में बने क्वारंटाइन केंद्र में 30 साल के प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में राहत नहीं मिलने पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ट्रकों को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को रेस्क्यू पैकेज नहीं देती तो वे लोग ट्रक नहीं चलाएंगे, जिससे देश में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है।